हाय फ्रेंड, आज हम रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट्स बनाएंगे जो कि ब्रेड से बनाएंगे। आज हम हर ब्रेड को मैं ट्रायंगल शेप में कट कर लूँगी। मैं तो इस तरह से कोई ग्लास नहीं के इसमें भी जैसा पसंद वैसा कर सकती हैं। इसे ट्रायंगल शेप कर लिया हूँ मैं, इस तरह भी कर लिया हूँ। आपकी जैसा पसंद है वैसा कर सकती हैं। हम इसमें 1 लीटर दूध दे दिए हैं और इसको पूरा आधी होने तक बॉईल करना है और उसको हम धीरे धीरे पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। यहाँ पे मैं 2 क्रश की हुई छोटी इलायची दे रहा हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे पकाना है और यहाँ पर हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार चीनी, शुगर। करीबन 1/3 कप हो जाएगा, इतना ही डाली है हम चीनी। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को बंद कर ऑफ कर देंगे। ये दूध आधी हो गई है, गैस ऑफ कर देते हैं। अभी तो हम यहाँ पर 1/2 कप पानी ले लिए हैं, 2 कप चीनी ले लिए हैं। धीरे धीरे आप उबल आना शुरू करी है और यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 इलायची कुटी हुई और इसको मिक्स कर देना है। बॉयल शुरू हो गया है इसका। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 टीस्पून लेमन जूस। गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इस बार लेमन देने से ये ठंडा होकर भी जैसा रहेगा, पतला नहीं होगा कि गाढ़ा भी नहीं होगा। हम पैन में ऑयल गरम कर लिए हैं, ऑयल गरम हो गया है। इसमें भी हम डाल रहे हैं ब्रेड को। और इसको हम चाशनी में डालेंगे इस तरह से। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकती हैं, बहुत टेस्ट लगता है। बाकी को भी ऐसे तल लेंगे। इसको ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। हो गया है, ये सबको भी चाशनी में डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, पिस्ता बादाम और काजू, उसको भी फ्राई कर लेंगे। उसको भी तल लेंगे।
इसको भी हम चाशनी में डाल देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। दूध हमारा ठंडा हो गया है, मरी इसमें हम डालेंगे ब्रेड हम तल के रखे थे। इसमें हम डालेंगे हम जो फ्राई करके रखे थे। हो गया, अभी इसको हम ब्रेड में निकाल लेते हैं।